बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम अरब के मुआशरे के वो बदतरीन हालात बयान करेंगे कि जिनमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ ऐलान रिसालत करना था बल्कि उन बुराइयों को भी दूर करना था। जज़ीरा नुमाए अरब का वो इलाका जो मक्के और मदीने के दरमियान है, उसे हिजाज कहते हैं। ये वो इलाका है जिसके दाएं तरफ भी पहाड़ियां थीं और बाएं तरफ भी पहाड़ियां थीं, जिसके नतीजे में अरब का ये इलाका कि जिसमें पैगम्बर इस्लाम ने ऐलान नबूवत किया और मदीने का शहर जहां पैगम्बर इस्लाम हिजरत करके तशरीफ़ ले गए, ये तकरीबन सारी दुनिया से कट गया था। एक कोने का इलाका है और दो पहाड़ियों के दरमियान पूरा इलाका चला गया है, इसीलिए इसको हिजाज कहते हैं। अरबी में हिजाज रुकावट को कहते हैं, जैसे एक दीवार बना दी जाए। ये इलाका तहजीब व तमद्दुन के लिहाज से सारी दुनिया से कट गया था, वरना उस वक्त दुनिया में तालीम भी थी, उस वक्त दुनिया में फ़लसफ़ा भी था यूनान के पास, उस वक्त दुनिया में कानून भी था रोम के पास, उस वक्त दुनिया में इल्म व हिकमत भी थी हिंदुस्तान के अंदर, मगर ये इलाका कट के रह गया था सबसे। चुनांचे अरब के लोगों के पास ना कोई कानून है, ना कोई कायदा है, ना कोई तालीम है, ना कोई दस्तूर है। जंगल का कानून चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ तक कि एक आम अरब को यह चीज़ समझाना बड़ा मुश्किल था कि तुम्हारे कबीले के बाहर जो दूसरे इंसान हैं उनकी इज्जत और जानो माल का एहतराम करो। अरब की समझ में ये बात ही नहीं आती कि हम क्यों उसकी जान का एहतराम करें, वो तो हमारे कबीले का ही नहीं है। हम क्यों उसके माल का एहतराम करें, वो तो हमारे ख़ानदान का नहीं है। ऐसा उनके जहनों में तसव्वुर बैठा हुआ था कि उन्हें ये चीज़ समझाना कि देखो वो भी एक इंसान है, तुम्हारे कबीले से बाहर है तो क्या हुआ, है तो इंसान, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। एक ऐसा माहौल बन गया कि जो अपने कबीले का है उसकी जान की हिफाजत हम करेंगे, चाहे वो खतावार ही क्यों ना हो। जब अपने कबीले का है उसके माल को हम बचाएंगे, चाहे वो माल कहीं से चोरी करके ही क्यों ना लाया हो। और जो हमारे कबीले से बाहर है, इंतहाई शरीफ भी है, तो मौका मिलेगा तो हम उसे कत्ल कर देंगे, इंतहाई इज्जत वाला भी है, हम उसका माल लूट लेंगे। ये एक तसव्वुर आ गया था अरबों में, और अरबों की ये कैफियत थी कि वो बड़े फ़ख्र के साथ अपने आप को इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद करा देते थे। लेकिन ना उनको ये मालूम कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे, ना ये पता कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कौन थे। नबुव्वत क्या चीज़ है, इसका तसव्वुर तक नहीं था। हाँ, एक चीज़ थी अरबों के पास, वो ये कि उनके पास अल्लाह का तसव्वुर था। अल्लाह वो लोग किसे कहते थे? अल्लाह का मकसद था सबसे बड़ा परवरदिगार, सबसे बड़ा खुदा, यानी जो उन्होंने 360 छोटे छोटे खुदा बना रखे थे, जो बुत रखे थे। वो ये जानते थे कि ये कुछ भी नहीं है, इनकी कुछ हैसियत व ताकत नहीं है, असल जो है वो वही खुदा है जिसका नाम उन्होंने भी अल्लाह रखा हुआ था कि इन सब के ऊपर वो है। मगर ये जो हमारे छोटे छोटे बुत हैं, ये हमारे और उसके दरमियान एक वसीला हैं, हमें उस खुदा तक पहुंचाने वाले हैं। अगर हम इनको राज़ी कर दें तो वो खुद ब खुद राज़ी हो जाएगा, अगर ये हमसे नाराज़ हो जाएं तो वो खुदा भी हमसे कभी राज़ी नहीं हो सकता। ये एक खराबी उनमें थी, वरना तौहीद का थोड़ा बहुत तसव्वुर उनके पास था कि सबसे बड़ा वो खुदा है, यानी अल्लाह ताला। अच्छा, उनको ये तो पता था कि एक बड़ा खुदा है, लेकिन उनके जहन में तसव्वुर बड़ा अजीब आ गया था। चुनांचे हर अरब अपने माल में से दो हिस्से निकालता था, एक अल्लाह के लिए और एक अपने छोटे खुदाओं के लिए, जिसमें लात, मनात, उज्जा, हुबल, इसाफ और नायला वगैरह शामिल हैं। ये मानते थे कि ये जो खुदा हमने बनाए हैं ये छोटे हैं और वो खुदा बड़ा है, मगर इसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता उनकी ये हालत हो गई कि असली खुदा को खुदा तो मान रहे हैं मगर उसको भूल गए। सारी उनकी उम्मीदें, दुआएं और दीन उन छोटे खुदाओं तक हो गया, और इस हद तक पहुंच गया कि तारीख बताती है कि उनके खुदाओं में से एक खुदा का नाम लात है, जिसका जिक्र कुरान में भी आया है। खुद मानते हैं कि ये छोटा खुदा है, मगर जिस वक्त अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर यमन से आ रहा था, कबीला बनु सकीफ के करीब से गुजरा जो ताइफ में रहते हैं, और ये लात ताइफ के लोगों का खुदा था। वहाँ उन्होंने एक मंदिर बनाया हुआ था जिसके अंदर इस बुत को रखा हुआ था।
जब अबरहा वहां से गुजरा तो उसे मक्का का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने उन लोगों से सवाल किया कि मुझे मक्के का रास्ता बताओ, बल्कि रास्ता बताने के लिए एक गाइड दो। अब उनको मालूम भी था कि ये मक्का जा रहा है खानाए काबा को तबाह करने के लिए, और खानाए काबा का ताल्लुक हमारे बड़े खुदा से है, यानी अल्लाह ताला से। ये लात हमारा छोटा खुदा है, लेकिन इस डर की वजह से कि अगर हमने अबरहा की बात ना मानी तो वो हमारे इस छोटे खुदा के बुत को तोड़ देगा। ये जानने के बावजूद कि यह खानाए काबा को गिराने जा रहा है, वो इसके लिए तैयार राजी हो गए और अबरहा के लश्कर की राहबरी के लिए अपने चंद आदमी उसके साथ भेजे कि जाओ इसको मक्के तक छोड़ के आओ। यानी बड़े खुदा को मान रहे हैं, मगर अपनी ज़िंदगी से इस तरह निकाल फेंका कि छोटे खुदा की हिफाजत करना है, बड़े खुदा को नुकसान पहुंचता है तो पहुंच जाए। इसी तरह उनका दूसरा खुदा था मनात, जिसे कुदैद के मुकाम पर रखा हुआ था। ये जो छोटे छोटे खुदा थे, ये तकरीबन हर कबीले का एक अपना खुदा था। ऐसा खुदा तो बहुत कम था जिसको सब मानते हों। फिर जब ये लोग हज करने आते थे, वाज़े रहे कि अरबों में बुत परस्ती के बावजूद हज का तसव्वुर बाकी था, तो हज तो बड़े खुदा यानी अल्लाह का करते थे, लेकिन हालत ये थी कि बहुत से लोग ये कहते थे कि हमारा हज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि हम मनात के पास भी ना जाएं, और ऐसे लोग सफ़ा और मरवा की सई छोड़ देते थे, बल्कि वहीं हज मुकम्मल किया, वहीं से मनात के लिए अहराम बांधा और लबैक लबैक कहते हुए सई को छोड़कर सीधे उस खुदा के पास जाते थे कि जब वहां जाएंगे तो हमारा हज मुकम्मल होगा। यानी अल्लाह को मान रहे हैं, मगर इस तरह से कि हर मकाम पर अल्लाह ताला को पीछे रखते और अपने छोटे खुदाओं को आगे ले आते। उनकी हालत ये थी कि ये अपने माल में से, चाहे वो भेड़ बकरी हो, खेती बाड़ी हो या वो तजारत का माल हो, साल के साल ये दोनों के लिए हिस्सा निकालते थे, यानी अल्लाह के लिए भी और उसके शरीकों के लिए भी जो छोटे खुदा हैं। मगर एक निज़ाम ऐसा बना लिया था कि हिस्सा दोनों को दे रहे हैं, मगर छोटे खुदा का हिस्सा हमेशा उनके नज़दीक ज़्यादा काबिल एहतराम होता उस असली खुदा यानी अल्लाह के मुकाबले में। मसलन दो हिस्से उन्होंने निकाले, एक अल्लाह के लिए और एक अल्लाह के शरीकों के लिए। अब अल्लाह के हिस्से में से अगर कुछ नीचे गिर गया तो उनका कानून था कि जो अल्लाह के हिस्से में से गिर जाए वो छोटे खुदा के हिस्से में शामिल कर देते थे, मगर अगर छोटे खुदा के हिस्से में से कुछ गिर जाए तो वो अल्लाह के हिस्से में कभी शामिल नहीं किया जाता था। एक और तरीका ये था कि जब खेत में पानी देते थे तो खेत में तय कर लेते थे ये खेत का जो टुकड़ा है इसमें जो पैदावार होगी वो अल्लाह की होगी, ये जो दूसरा टुकड़ा है इसमें जो पैदावार होगी ये हमारे बुतों के लिए है और बाकी हमारे लिए। अब अगर कभी ऐसा होता था कि ये अपने बुतों वाले हिस्से को पानी दे रहे हैं और पानी बहकर अल्लाह के लिए रखे गए टुकड़े में चला गया, अब इस साल उस खेत में जितना पैसा होगा तो ये लोग इरादा कर लेते थे कि ये अल्लाह के लिए नहीं बल्कि बुतों के लिए होगा, क्योंकि बुतों वाले हिस्से से पानी बहकर इस हिस्से में गया था, इसलिए ये सारी पैदावार भी इधर आएगी। लेकिन अगर किसी साल उल्टा इत्तफाक हो जाए, यानी अल्लाह के हिस्से को पानी दे रहे हैं और पानी बहकर बुतों वाले हिस्से में आ गया, तो फिर इस सूरत में कभी ये ऐसा नहीं करते थे कि बुतों वाले हिस्से को उठाकर अल्लाह वाले हिस्से में शामिल कर दें। इसी तरह उनका एक कानून ये था कि अगर कभी कहत वगैरह पड़ जाए और खाने की चीज़ें कम हो जाएं, तो उनका ये उसूल था कि जो हिस्सा तुमने खुदाओं के लिए रखा है उसमें से ले सकते हो, मगर इस बात में भी मुनाफ़कत कि कहत की हालत में अल्लाह के हिस्से को हलाल समझते हैं कि इसमें से खा सकते हैं, मगर अपने छोटे खुदाओं के हिस्से को हाथ नहीं लगाते कि नहीं ये तो गज़ब हो जाएगा, ये तो खुदा का हिस्सा है जिसको हम नुकसान पहुँचा रहे हैं। गर्ज़ ये कि ये अल्लाह को भी मानते हैं और छोटे खुदाओं को भी, दोनों का हिस्सा भी देते हैं, मगर जहां ज़रा सा बहाना उनके हाथ में आया उन्होंने फौरन अल्लाह के हिस्से में कमी की, मगर छोटे खुदाओं के हिस्से में कभी कमी ना करते थे। तारीख में ये जुमला मौजूद है कि एक मरतबा किसी ने अरबों से पूछ लिया कि ये तुम लोग क्या करते हो, अल्लाह के हिस्से में कमी कर देते हो, लेकिन ये जो छोटे खुदा हैं इनके हिस्से को हाथ नहीं लगाते, आखिर ये फ़र्क क्यों है? कहते हैं कि अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है, वो गनी है, उसको तो हमारे हिस्से की ज़रूरत नहीं है, उसमें अगर कमी हो जाए तो क्या नुकसान, मगर ये जो छोटे छोटे खुदा हैं ये तो बहरहाल हमारे हिस्से के मोहताज हैं, इनको तो हमारा हिस्सा चाहिए, अगर हम इनको हिस्सा ना दें तो कहीं ये हमसे नाराज़ ना हो जाएं, कहीं इनकी बददुआ हमको ना लग जाए,
कहीं हमारे घर में कोई तबाही ना आ जाए, कहीं हमारा मालो दौलत ना लुट जाए। और वो खुदा तो वो तो बहुत रहम करने वाला है, हर एक को मुआफ़ करने वाला है। उसको क्या ज़रूरत हमारे मालो दौलत की? अगर हम लोग उसको उसका हिस्सा ना भी दें तो उसका क्या नुकसान हो जाएगा? आप जानते होंगे कि मंदिरों में बुतों की पूजा करवाने वाले जो पुजारी होते हैं, ये बुतों का हिस्सा तो उन्हीं को दिया जाता है। वो तो बुत हैं, वो अपना हिस्सा मांगने कहाँ आएंगे। तो इन लोगों ने इसलिए कि हमारे रोज़गार में कमी ना आने पाए, तो असली खुदा का जो हिस्सा है वो तो गरीबों में खैरात कर दिया जाता और छोटे खुदाओं का हिस्सा उनके कदमों में ला के रख दिया जाता। शाम को जब मंदिर बंद होता तो जो निगरानी करने वाले हैं वो सब इनके घरों में चला जाता। उन्होंने ये तसव्वुर ज़हनों में बिठा दिया था कि इनके हिस्से में कमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनके हिस्से में कमी होगी तो उनके घर में कमी होगी। वो ऐसे इस्लाम को कैसे बर्दाश्त कर लें जो सबसे पहले आके इस चीज़ पे पाबंदी लगाएगा। तो अब मक्का के काफरों में कुरैश के जो मजहबी लीडर हैं, उनका रोज़गार चलता है बुतों की आमदनी से। चुनांचे वो किसी ऐसी बात को कबूल करने पर तैयार नहीं थे जो उनकी आमदनी में कमी का सबब बने। यही वजह है कि आम अरबों के दिलों में अपने बुतों का कोई ख़ास एहतराम नहीं था। इसकी दलील ये वाक़या है कि एक मरतबा एक अरब अपने ऊँटों को बरकत के लिए ले गया अपने खुदा के पास कि वहाँ ले के जाएंगे, बरकत मिलेगी, तादाद बढ़ेगी, ताकतवर होंगे, ज़्यादा काम करेंगे। अब वो जो बुत था जिसके पास ये ले के गया, उस वक्त ताज़ा ताज़ा लोगों ने लाकर कुर्बानियाँ की थीं, बुतों के ऊपर चढ़ावे भी थे। बाद लोग अपनी औलाद को भी बुतों के कदमों पे कुर्बान करके उसका खून मलते थे। जिस जानवर को ज़िबा किया जाता है उसका खून उस बुत पे लगाया जाता। अब ये अपने ऊँटों को लेके गया बरकत के लिए। एक तो बड़ा लंबा चौड़ा बुत, ऊपर से सारा खून उस पे लगा हुआ। ऊँट घबरा के भाग खड़े हुए। अब जो उसे गुस्सा आया तो पत्थर उठा के उसको मार रहा है और कह रहा है कि मैं तो अपने ऊँटों को बरकत के लिए लाया था, लेकिन जो कुछ ऊँट थे वो भी तूने मेरे हाथ से भगा दिए। रही सही जो कुछ मेरी पूंजी है वो भी तूने लुटा दी। खुदा भी मान रहा है तभी बरकत के लिए लाया है, लेकिन दूसरी तरफ पत्थर भी मार रहा है और कह रहा है कि मैं किस लिए आया था और तूने मेरे साथ क्या कर दिया। ये भी तारीख में मौजूद है कि अरब एक तरफ तो इतने शौकीन हैं अपने बुतों के सफ़र में जाते हैं तो हर आदमी चार पत्थर लेके जाता है, तीन पत्थरों से चूल्हा बनाता है और चौथे पत्थर को सामने रख के उसकी पूजा शुरू कर देता है। लेकिन ये बुत कभी हलवे के भी बनाए जाते हैं, कभी खानों के भी बनाए जाते हैं। चुनांचे सफ़र के दौरान कभी भूख लगी तो उसी खुदा को जिसे अपने हाथों से इबादत के लिए बनाया है तोड़ तोड़ के खाने लगे कि घर जा के दूसरा खुदा बना लेंगे। इस वक्त तो भूख लगी है। यानी एक तरफ वो तसव्वुर है खुदा के बारे में कि अल्लाह के हिस्से में कमी कर दो, इनके हिस्से में कमी ना होने पाए, लेकिन ये हिस्से में कमी जो है कि छोटे खुदा को नुकसान ना पहुंचे, ये उनका एहतराम नहीं है। अगर खुदाओं का एहतराम होता तो ये वाक़यात हमारे सामने ना आते, बल्कि उनकी पस्ती की तो ये हालत है कि इसाफ और नायला को भी उन्होंने खुदा माना कि उसी के बारे में वो ये कहानी भी सुनाते हैं। इसाफ और नायला दो बुत थे, एक सफ़ा पहाड़ी पर रखा था, एक मरवा पर। ये सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियां हैं जिनके बीच में हजरत हाजरा दौड़ी थीं। एक उस पहाड़ी पर था, एक इस पहाड़ी पर। और इनके बारे में सारे अरब ये कहते हैं कि इनकी असल कहानी ये थी कि ये एक मर्द और औरत थे और पहले हराम के इरादे से काबे में गए थे, जना में मसरूफ़ थे, अजाब खुदा आया, इनको पत्थर बना दिया गया और ये पत्थर काबे से खुद ब खुद बाहर जा के गिर पड़े। चुनांचे एक को सफ़ा पहाड़ी पर रख दिया, एक को मरवा पर। अब खुद मानते हैं कि ये वो मुजरम हैं जो खाना खुदा के अंदर हालत जना में मसरूफ़ थे जब इन पर अजाब आया, मगर उनकी भी पूजा शुरू हो गई, उनके भी आगे झुकने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि अरबों के पास बुतों का तसव्वुर एहतराम नहीं है। फिर क्या बात है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तो सबसे बड़ी मुखालफत इसी बात पर होती है। यहाँ तक कि एक मंजिल पे तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा करो कि हम तुम्हारे खुदाओं को मान लेते हैं, तुम हमको फ़कत इतनी इजाज़त दे दो कि इन बुतों को हम अपने घरों में रख सकें। यानी एक तरफ इतनी बेएहतरामी और दूसरी तरफ इतना ख्याल। तो वजह यही थी कि जो मजहबी लीडर थे उस ज़माने के, जैसे अबू जहल है, अबू लहब है, उनकी रोटी इसी पर चलती थी कि कौम जहालत में रहे, झूठे खुदाओं को मानती रहे।
झूठे खुदाओं और कौम के दरमियान वो अपनी चौधराहट को बाकी रखें। ये सबसे बड़ा सबब था जिसने बाद में पैगम्बर इस्लाम की इंतहाई मुखालफत में बड़ा नुमाया हिस्सा लिया। इतने सारे बुत बनाए, फिर बुतों के सिलसिले में उन्होंने अपनी एक शरीयत भी बना ली थी। मसलन बुतों के ऊपर नजरो न्याज की जाती, इसके लिए खुद साख्ता शरीयत बनाई गई। उनकी शरीयत में यह था कि बाद औकात जानवरों को उन बुतों के लिए वक्फ कर देते थे कि ये जानवर फलां बुत के लिए है। अब इस जानवर पर ना तो कोई सवारी कर सकता है, ना इसका कोई दूध दोह सकता है, ना इसे कोई ज़िबा कर सकता है, और जिस खेत में चाहे खा ले कोई इसको रोकने वाला नहीं। वो जिस घर में दाखिल हो जाए कोई इसको मार नहीं सकता। लेकिन इनके साथ साथ उनके यहाँ एक ये चीज़ भी थी कि ये जो बुतों के लिए हमने जानवर वक्फ किए हैं, अगर कभी इनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो तो वो बच्चा अगर ज़िंदा पैदा हो तो उसे सिर्फ मर्द खा सकते हैं, औरतें नहीं खा सकती, और अगर मुर्दा पैदा हो तो औरतें खाएंगी, मर्द उसको नहीं खा सकते। अब ये अपनी मर्जी से एक तो उन्होंने एक सिलसिला कायम किया इन कुर्बानियों और नजर न्याज का, और साथ साथ इसके ऊपर इस किस्म की पाबंदियाँ लगा दीं। इसी के अंदर एक ये मसला भी था कि जिस जानवर के ऊपर बैठकर ये अपने बुत के पास जाते थे, वो जानवर इनके नज़दीक इतना काबिल एहतराम हो जाता कि उस पर बैठकर कभी मक्के नहीं आ सकते, कि जिसके ऊपर बैठकर हम बुत के पास चले गए, अब उस पर मक्का कैसे जाएंगे, जबकि मक्के को ये बड़े खुदा यानी अल्लाह का घर मान रहे हैं। लेकिन देखिए कि ये अजीब फितरत थी अरबों की कि कभी वो छोटा बुत इतना बड़ा कि जो जानवर उससे मंसूब हो गया वो मक्के नहीं आ सकता, और कभी इतना नीचा कि उसे तोड़ के खा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, फटे हुए जूते से उसकी पटाई कर रहे हैं। ये अरबों का माहौल था। इस तरह के माहौल में उनको पाक और पाकीज़ा तौहीद देना कितना मुश्किल काम है पैगंबर इस्लाम का। ये तो अरबों की मजहबी हालत थी, लेकिन मजहबी हालत से हटकर बाकी ज़िंदगी भी देखें तो इंतहाई बदतरीन ज़िंदगी थी। मसलन औरतों के साथ उनका सलूक ये था कि औरत की कदरों कीमत जानवरों से भी गई गुजरी थी। एक रवाज उनका यह था कि मर्द को इख्तियार था कि 20, 25, 50, 100 जितने भी निकाह करे, कोई उसके ऊपर पाबंदी लगाने वाला नहीं था। और यह फितरी चीज़ है कि जब 20-20 शादियां एक आदमी ने की हैं तो उनका खर्चा पूरा करने के लिए चोरी भी करेगा, डाका भी डालेगा, हराम की तरफ भी जाएगा, कत्लो गारतगरी करेगा। एक बदतरीन रस्म उनके अंदर ये थी कि सौतेली माँ के साथ निकाह करना बिल्कुल जायज़ था। यानी अगर किसी के बाप का इंतकाल हो गया और उसने 20 निकाह किए हुए थे तो उसकी एक बीवी के बेटे के लिए उसकी बाकी 19 बीवियाँ हलाल थीं। और ऐसी मिसालें हैं कि बेयक वक्त वो अपनी 19 सौतेली माओं से निकाह करता, ना कोई अजीब बात, ना किसी को बुरा महसूस होता, ना कोई इसके ऊपर एहतजाज करता। तलाक के मसले में मर्द को मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ था कि जिस तरह जब चाहे तलाक 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 कह दे और तलाक हो जाती थी, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं, पाबंदी भी नहीं थी। जैसे आज तो इस्लाम ने एक पाबंदी रख दी है कि अगर एक मर्द ने औरत को 3 तलाकें दे दीं तो अब हमेशा हमेशा के लिए ये उसके ऊपर हराम हो गई। मगर अरबों के यहाँ कोई हर्ज नहीं, 100-100 तलाकें दी जाती, जिसका नतीजा क्या होता कि औरत की ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती। हर दूसरे दिन तलाक, हर चौथे दिन रुजू, हर महीने में 2 मर्तबा तलाक, 2 मर्तबा रुजू। यानी औरत ना शौहर के घर में ज़िंदगी गुजार सकती है क्योंकि तलाक मिल गई, ना किसी और के साथ शादी कर सकती है क्योंकि इद्दत ख़त्म होने से पहले दोबारा शौहर ने उसको बुला लिया, फिर तलाक दे दी गई, फिर बुला लिया गया, क्योंकि ना कोई शर्त थी, ना कोई हद थी, ना कोई तादाद मुकर्रर थी। तो ऐसे ऐसे वाक़यात थे तारीख में कि 100-100 तलाकें एक मर्द ने अपनी बीवी को फ़कत परेशान करने के लिए दीं कि जितना ज़्यादा इसको परेशान करेंगे उतना ही ये हमारे आगे झुकेगी। औरत जब अपने अयाम निजासत में हो, इस्लाम ने तो ये कहा है कि वो ज़ाहरी एतबार से बिल्कुल पाक है, लेकिन ये अरबों की जाहलियत का माहौल था कि वो कबूल नहीं करते थे। ऐसी औरत के मुँह से लगा हुआ पानी नजस, ऐसी औरत के साथ एक फ़र्श पर बैठना उनके नज़दीक गलत। यानी औरत को अपने मकान में भी बंद कमरे में इतने दिन गुजारना पड़ते थे जब तक कि वो पाको पाकीज़ा ना हो जाए। औरत को अछूत बना दिया गया था। इससे बढ़कर एक उनका कानून ये था कि औरत को मीरास में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था, इसलिए कि उनका कहना था कि जो कमाता है उसी को जायदाद में हिस्सा मिलेगा, जो कमा नहीं सकता उसके लिए जायदाद में कोई हिस्सा नहीं। ये इस्लाम है कि जिसने औरतों के लिए मीरास में हिस्सा रखा।
और फिर ख़ास तौर पर यतीमों के साथ वैसे ही अरबों का सलूक इंतहाई बुरा था। लेकिन अगर कोई यतीम लड़की हो तो उसके साथ तो और बदतरीन सलूक होता था। तारीख में ये बात मौजूद है कि अरब में लोगों ने यह तरीका इख्तियार कर लिया था कि जब कोई लड़का या लड़की यतीम हो जाते और उसका कोई सरपरस्त ना होता और उसके बाप ने कोई जायदाद छोड़ी होती तो हर आदमी उस पर कब्ज़ा करने के लिए कोशिश करता कि ये यतीम मेरी कफालत में आ जाए, ये मेरे घर में आ जाए। बड़ी लड़ाइयाँ होती थीं यतीम को लेने के लिए, मगर सिर्फ इसलिए कि इसके माल पे एक दफ़ा कब्ज़ा हो जाए। इसके बाद जब यह मशहूर हो जाता था कि ये यतीम फलां साहिब के पास गया है, फिर पूरे माहौल और मुआशरे में किसी को इख्तियार नहीं था कि उस यतीम के बारे में कभी बात करे। चुनांचे तारीख में ये जुमले मौजूद हैं कि मक्का में एक यतीम था जिसे अबू जहल ने अपनी कफालत में ले लिया था, इसलिए कि उसका बाप जायदाद छोड़ के गया था। अबू जहल ने उसकी जायदाद पर कब्ज़ा करके बच्चे को घर से निकाल दिया और एक दिन ऐसा आ गया कि बच्चे के पास पहनने के लिए एक लिबास भी ना रहा और इस हालत में वो अबू जहल के दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा है कि सिर्फ एक कपड़ा मुझे दे दो ताकि मैं अपने जिस्म को छुपा सकूँ। लेकिन अबू जहल ने धक्के देकर निकाल दिया कि खबरदार, आइंदा अगर कुछ चाहा तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अब ये रोता हुआ वापस आया। इतने में अरब के कुछ सरदारों को एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि आज रसूल और अबू जहल की लड़ाई कराना चाहिए और इस बच्चे को कह दिया कि तुमको अगर अपना हक चाहिए तो फलां घर चले जाओ, मोहम्मद से कहो, वो तुम्हें तुम्हारा हक दिला देंगे। अब ये एक यतीम बच्चा है, इसे पता ही नहीं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मक्के के हालात क्या हैं। वो अपने खाने की फ़िक्र में है, अपने लिबास की फ़िक्र में है। चुनांचे वो सीधा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर आया, दस्तक दी। पैगंबर इस्लाम बाहर निकल के आए और ये देखा कि एक बेलिबास बच्चा खड़ा है और पाके की हालत में है। बे इख्तियार पूछा, ये तेरी हालत कैसे हो गई? कहा कि बस मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि अबू जहल के पास मेरी बे इंतहा दौलत है, वो मुझे देने से इनकार कर रहा है, आप चल के मुझे मेरा हक दिलवाइए। अब पैगंबर इस्लाम ये सुनकर फौरन तैयार हो गए, उसके साथ निकले और अबू जहल के दरवाजे पर गए। ये बदतरीन दुश्मनी का ज़माना चल रहा था। अबू जहल पैगंबर इस्लाम के खून का प्यासा हो रहा था, मगर जब एक यतीम की कफालत की बात आई तो अल्लाह के रसूल उसके साथ चले। अबू जहल के दरवाजे पर पहुँचे, दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जहल निकल के आया, उस यतीम को देखकर समझ तो गया कि क्या बात है। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि इसका हक इसके हवाले करो। अबू जहल कुछ न बोल सका, खामोशी से जितने भी दस्तावेजात और सामान था वो पैगंबर इस्लाम को दिया और पैगंबर इस्लाम ने यतीम बच्चे को दिया और बच्चे को रुख्सत किया। वो सरदार आए और आने के बाद कहा कि ऐ अबू जहल, हम तो बड़े मायूस हुए, हम तो समझ रहे थे कि आज खूब मुकाबला होगा और आज हमें एक अच्छी झड़प देखने को मिलेगी, तुम इतनी खामोशी के साथ क्यों खड़े हो गए? कहा कि क्या करूं, जैसे ही मोहम्मद मेरे पास आए मुझे ऐसा लगा कि मेरी दाईं और बाईं पसलियों में जैसे किसी ने कोई हथियार दाखिल कर दिया हो, ना मेरी ज़ुबान हरकत कर रही है ना मेरा जिस्म, और जैसे ही मैंने वादा किया मैंने देखा कि मैं एक मर्तबा आराम की हालत में आ गया हूँ, इसने मुझे मजबूर कर दिया और मुझे हक देना पड़ा। अब देखिए कि अबू जहल जैसा शख्स इतना मालदार है कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की। दूसरे अल्फाज में ये यतीम के माल पे जो उसने कब्ज़ा किया ये उसके घर में पड़ा हुआ सड़ रहा होगा, मगर इसके बावजूद वापस नहीं करता, इसलिए कि फितरत में जुल्म दाखिल हो गया है। मज़ा आता है किसी को परेशानी में देखकर, लेकिन यतीम बच्चों की जब यह हालत थी तो यतीम बच्चियों की हालत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब थी कि अगर कोई बच्ची यतीम हो जाती तो उस पर फौरन कब्ज़ा कर लिया जाता और फिर बड़े होने के बाद अगर वो हसीनो जमील निकलती तो फौरन उससे शादी कर ली जाती ताकि उसकी दौलत से भी फ़ायदा उठाएं और उसके हुस्न से भी फ़ायदा उठाएं। ना उसे मेहर देना पड़ेगा ना नानो नफका, क्योंकि उसका कोई पूछने वाला ही नहीं है, और अगर वो लड़की बड़े होकर बदसूरत निकलती है तो उसको मजबूर किया जाता कि वो इन दो में से कोई एक तरीका इख्तियार करे। अरब में निकाह का एक अजीब तरीका था और वो तरीका ये था कि वो यतीम बच्चियाँ कि जिनका कोई सरपरस्त नहीं है या वो कनीज़ें जो अरब लेके आते हैं, और अरब में कनीज़ किसका नाम है, कोई भी शरीफ औरत अकेले किसी रास्ते से जा रही है पर शर्त यह है कि अपने कबीले से बाहर हो,
वहां से उसे उठा के लाओ और वो कनीज बन गई। एक आम रवाज बन गया था। औरतें अपने कबीले से निकलते हुए डरती थीं। उस वक्त ये जो कनीजें थीं, यानी ये सब शरीफ इज्जतदार और ख़ानदान वाली हैं, पूरा पूरा उनका कबीला है, मगर कबीले से बाहर निकले तो हर आदमी को हक है कि जिस औरत को चाहे उठा ले। अब ये तो यतीम बच्चियां कनीजें थीं। इनके सामने दो रास्ते रखे जाते। पहला रास्ता ये रखा जाता था कि तुम्हें हर महीने अपने मालिक को इतने दिरहम या दीनार देना है, और इसके दो तरीके हैं, या तो ये कि तुम निकाह करो और अपने शौहर से ये पैसा लेके दो। मगर कैसा निकाह? एक औरत एक वक्त में 10 से 12 से 15 मर्दों से निकाह करती है और हर एक से उसका माहाना नानो नफका तय हो जाता है। ये लोग उसको पैसे देते हैं और अपनी हाजत पूरी करते हैं। एक औरत को ये इख्तियार है। अब इख्तियार तो है, उसे पैसे मिलते हैं, पैसे लेकर अपने मालिक को दे देती है। इसे अरबों में निकाह कहा जाता था, यानी इसको इतना ही काबिल एहतराम समझा जाता था जैसे एक औरत एक मर्द के निकाह में हो। कोई फ़र्क ही नहीं था अरब में दोनों औरतों के मकाम में। दोनों औरतों की बराबर इज्जत की जाती थी। अब जब कभी कोई औलाद पैदा हो गई तो माँ की मर्जी, वो 15 या 20 में से जिससे ये कह दे कि ये तुम्हारा बेटा है, वो उसका बेटा माना जाता था और सारे हक उसी बाप को अदा करना पड़ते थे। तो यतीम बच्चियों को मजबूर किया जाता था कि या तो वो इस तरह का निकाह कर आएं, और या फिर वो तरीका कि ये औरतें अपने घर के ऊपर झंडा लगाएं। ऐसे घरों का नाम मवाखीर रखा गया था, और झंडा लगाने का मकसद ये है कि इस घर के अंदर रहने वाली औरत वो हर मर्द को दावत देती है, पर शर्त ये कि जो उसका खर्चा है वो उसको दे दिया जाए। इस तरह से ये पैसे जमा करके अपने मालिकों के हवाले किया करती थीं। मक्के में जगह जगह झंडे वाली औरतों के घर मशहूर थे। अब ये जो झंडे वाली औरतें हैं, अव्वल तो ये खुद इसकी आदी हो गईं, वरना ये कि जिस मालिक को इनके पास से पैसे जा रहे हैं उस मालिक का कितना नुकसान होगा अगर वो इस्लाम को कबूल कर लेता है। तो इस्लाम का मसला फ़कत ये नहीं है कि झूठे और सच्चे खुदाओं की बात है, कि फिर तो बहुत बड़ी तादाद मुसलमान हो सकती थी, क्योंकि जहां वो 360 बुतों को मान रहे थे वहां एक खुदा यानी अल्लाह को भी मान लेते तो उनको क्या नुकसान हो जाता। बल्कि मसला असल में ये था कि जिन जिन के रोज़गार पर फ़र्क पड़ रहा है, जिन जिन की रोटी में कमी आ रही है, चाहे वो हुबल से फाल निकालने वाला पुजारी हो, चाहे वो लात मनात और उज़ा की कुर्बानियों को लेने वाला हो, चाहे वो ये झंडे वाली औरतों के घरों का निगरान हो, चाहे वो यतीम बच्चियों के माल पे कब्ज़ा करने वाला हो, ये सब के सब अब जमा होते जाएंगे और पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ उनकी मुखालफत बढ़ती चली जाएगी। यही वजह है कि मक्का की ज़िंदगी में इन बुराइयों के खिलाफ ज़्यादा ज़ोर दिया गया। नमाज रोज़ा सब बात का मसला है कि इस्लाम की निगाह में नमाज और रोज़ा भी उस वक्त तक काम नहीं आता जब तक कि इन खराबियों को ख़त्म न किया जाए। अब ये हालत है औरतों की, और सबसे बदतरीन वो बेटियों को ज़िंदा दफन कर देना। कैफियत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि बहुत से ज़ालिमों संगदेल तो ऐसे थे, जब उनकी बीवी के हाँ बच्चे की विलादत का वक्त आता था तो बियक वक्त दो काम किए जाते थे। दाई को बुलाया जाता था और जिस बिस्तर पर बीवी लेटी है उसके करीब गड़ा खोदा जाता था, और दाई से कहा जाता कि बच्ची पैदा हो तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस गड़े में डालकर मिट्टी को बराबर कर देना। बाप उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं होता था। ये सारा माहौल और हालात थे कि जिनमें पैगम्बर इस्लाम को कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करना था। कितनी अजीम ज़िम्मेदारी थी जो पैगम्बर इस्लाम को अंजाम देना थी। अरबों ने कत्ल के मसले में एक कानून बना रखा था कि अगर किसी कबीले से कोई बड़ा आदमी मारा जाता तो अब कातिल को कत्ल करने से उनकी तशफ़ी नहीं होती थी। वो ये कहते थे कि ये तो बहुत मालदार और अपने कबीले का सरदार आदमी मारा गया है, अब जिसने इसे कत्ल किया है उसको अगर हम कत्ल करें तो ये बदला नहीं हुआ, वो तो अपने कबीले में सबसे गरीब और पस्त आदमी है, नहीं हमारे सरदार की जान की कीमत तो 50 जाने हैं। जब तक कि हम उस कबीले के 50 आदमियों को नहीं मारेंगे उस वक्त तक ये बदला तसव्वुर नहीं होगा। बल्कि बाद औकात तो बड़ा अजीब मुतालबा उनका होता था। सामने वाले कबीले से कहते थे कि तुम्हारे इस आदमी ने हमारे सरदार को मार दिया, अब तुम्हें इसका बदला देना है, और वो बदला क्या है? कातिल को पकड़ के लाओ तो बेकार है, बल्कि जिस स्टेटस और जिस मेयार का आदमी हमारा मारा गया है
अपने कबीले में से उसी मेयार के किसी आदमी को निकाल के लाओ, हम उसे कत्ल करेंगे, चाहे उस बेचारे का कोई कसूर ही ना हो, चाहे उसके फरिश्तों को भी खबर ना हो कि इस कबीले का कौन सा आदमी मारा गया है। जैसा कि पुराने जमाने की कहानियों में मशहूर है कि जिसकी गर्दन में फंदा फिट आ गया उसे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दो। अंधेर नगरी, चौपट राजा। वही मिसाल अरब के इस माहौल में रस चुकी थी कि कातिल को नहीं पकड़ना है बल्कि जिस मैयार का हमारे कबीले का आदमी मारा गया है उसी मैयार का सामने वाले कबीले का आदमी हमको चाहिए। यही वजह है कि अगले दिन किसी आदमी ने दूसरे कबीले के ऐसे आदमी को मार दिया कि जो इससे दौलत में कम है, इसके बदले में कातिल को नहीं मारा जाएगा। ये मसलन 10 लाख का मालिक है और वो जो मारा गया वो 10,000 का मालिक है। 10,000 के मालिक की जान के बदले में 10 लाख वाले को कैसे मार सकते हैं? इसलिए अव्वल तो उसके कातिल को कोई सजा ना दो, और अगर सजा देना है तो इस कबीले का कोई ऐसा आदमी ढूंढो कि जो पैसे के एतबार से मरने वाले के बराबर हो, चाहे वो बेगुनाह हो मगर उसे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दो। इस माहौल को जहन में रखते हुए सोचिए कि जब अल्लाह के रसूल इस्लाम को लेके आ रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि आदम के सारे बेटे बराबर हैं, अरब को अजम पर, गोरे को काले पर और मालदार को गरीब पर किसी किस्म की फजीलत नहीं है, तो वो कौन सा तबका था कि जिसने इंतहाई खुशी के साथ इस पैगाम को कबूल किया? ये वो गरीब लोग हैं, ये वो बेहैसियत लोग हैं कि जिनको डाकाधनी की या चोरी की वो आदत नहीं है, क्योंकि अरब के कबीले में जो भी मालदार है वो आमतौर पर या तो डाका डालने की वजह से मालदार है, या दूसरों के हक पे कब्जा करने की वजह से मालदार है, या चोरी की वजह से मालदार है। ये तसव्वुर था उनके अंदर कि इंसान इंसान के बराबर नहीं है बल्कि दौलत के एतबार से इंसान का फैसला होगा। और आम इखलाकी हालत ये थी कि अरब की कौम उस ज़माने में गालबन शहरों में रहने वाली वाहिद कौम थी कि जिसके पास लिबास का कोई तसव्वुर ही ना था। लिबास पहनते थे मगर फैशन के एतबार से, जिस्म छुपाने का कोई तसव्वुर नहीं था, इसलिए बिला झिझक जहाँ उनका दिल चाहता लिबास उतार देते थे और ज़र्रा बराबर शर्मो हया का एहसास नहीं था। हत्ता कि उनकी औरतें इस मामले में मर्दों से भी आगे थीं। अरबों की हालत ये हो गई थी कि हकदार को बेहक करना और बेहक को हक दे देना आम तरीका बन गया था। इस्लाम ने आकर इसको मीरास के मामले में मिटाया। मसलन उनका मीरास के मामले में एक उसूल था कि अगर किसी ने दूसरे आदमी को अपना भाई बना लिया, या किसी को अपना बेटा बना लिया, या अगर किसी को अपना बाप बना लिया, तो ये जिस आदमी ने नया रिश्ता कायम किया है जब इसका इंतकाल हो जाता तो उसकी जायदाद में से उसको भी हिस्सा दिया जाता कि जिसे इसने अज खुद रिश्तेदार बनाया है। आपने देखा होगा आज इस्लामी मुआशरे में भी बाज़ जगह ये रिवाज है कि मुंह बोले बहन भाई बन जाते हैं, जबकि शरअन इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, ये हराम है। और अगर फकत इसलिए कि एक ने दूसरे से कहा कि तुम मेरी बहन हो, इसको बहन का रिश्ता समझ लिया गया और पर्दे के हुक्म की पाबंदी ना की गई, तो इस्लाम में ये गुनाहे कबीरा है। लेकिन ये रिवाज आज तक हमारे बाज़ इलाकों में मौजूद है। इसी तरह औलाद नहीं हो रही तो किसी का बच्चा गोद लेकर पालना शुरू कर दिया जिसके साथ कोई खूनी रिश्ता भी नहीं है, तो शुरू में तो ये महसूस नहीं होगा लेकिन जब यह बच्चा या बच्ची जवान होगी तो बच्ची के लिए उसका बाप नामहरम होगा, इसी तरह बच्चे के लिए उसकी माँ नामहरम होगी। ये सारा तसव्वुर अरबों की जाहिलियत से चला आ रहा है। इस्लाम ने आकर इस तसव्वुर को ख़त्म किया। मुँह बोले रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, चुनांचे मीरास के अंदर इस सिलसिले को ख़त्म करवाया। तुम्हारे मुँह बोले भाई और मुँह बोली औलाद को तुम्हारी जायदाद में से कुछ ना मिलेगा, इसलिए कि अरब के मुआशरे में तो कसरत से ऐसे वाक़यात हो रहे थे कि अगर कोई अपनी औलाद से नाराज़ हो गया तो औलाद को कैसे बेहक करते। उसने किसी को अपना मुंह बोला भाई बनाकर अपनी जायदाद उसके हवाले कर दी। इस्लाम ने इन तमाम रिश्तों को ख़त्म कर दिया और कहा कि जायदाद का मामला है या पर्दे का मामला है या किसी किस्म का और मसाला है, खूनी रिश्ते की अहमियत ज़्यादा है, मुंह बोले रिश्ते की कोई हैसियत नहीं है। अरबों की खराबियों में एक खराबी अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने की खराबी थी। उनमें ये एक आम तरीका था कि बेटी पैदा होती तो उसे दफन कर दिया जाता, और अपनी बेटियों को कत्ल करने के लिए उनके पास 3 वजूहात थीं। बाज़ लोग अपनी बेटियों को इसलिए कत्ल करते थे कि जो उनके बोत थे
उनके कदमों पर अपनी बेटी के खून का नजराना पेश किया करते थे। बाद लोग इसलिए अपनी बेटियों को कत्ल करते थे कि गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से वो परेशान हो जाते थे और उनको दो चीज़ों का एहसास था, लड़का होगा उसे पालेंगे, वो बड़ा होकर हमारा कुव्वत बाजू बनेगा, उसकी वजह से हमारी मुआशी हालत बेहतर होगी, लड़की होगी या बड़ी होगी तो उसकी शादी करना पड़ेगी और ये जो कुछ हमारे पास जमा शुदा है ये सब ये लड़की लेकर चली जाएगी। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये सोच आज तक हमारे मुआशरे में किसी न किसी हद तक बाकी है। इसके साथ इनका जहन ये भी होता था कि लड़के को हमने जवान किया तो हमारे दुश्मनों के खिलाफ हमारा साथी बनेगा, लड़की को जवान किया तो हर जंग में ये खतरा रहेगा कि मददगार तो कहाँ बनेगी, उल्टा उसकी जान और उसकी इज्जत की हिफाजत का ख्याल रहेगा। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि बचपन में ही उसे कत्ल कर डालो ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। और तीसरा और आखिरी तसव्वुर ये था कि हम जो सारी ज़िंदगी तकब्बुर और गुरूर से ज़िंदगी गुजारते रहे, अगर ये लड़की जवान हो गई तो दामाद के सामने बहर हाल नाक नीची हो जाएगी, उसके सामने झुकना पड़ेगा और अरब की वो गैरत इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। चुनांचे नतीजा ये निकलता कि औरत हामला है, शौहर घर से ये कह के निकल जाता कि गड़ा खुदवा के तैयार रखो, अगर बेटी पैदा हुई तो मुझे शक्ल दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही पैदा हो घड़े में डालकर घड़े को बराबर कर देना, और अगर कोई खुशकिस्मती से कोई बेटी इस तरह से अपने बाप के हाथ से बच भी जाए तो उसका यह हशर होता कि एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अरब के इसी माहौल का कोई शख्स इस्लाम कबूल करने के बाद आया और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया मगर एक ख्याल बार बार मेरे दिल में आ रहा है जो मुझे अजियत पहुंचा रहा है, वो ये कि एक मरतबा मेरी बीवी हामला थी और मुझे ज़रूरी काम से मक्के से बाहर जाना पड़ा, मैं जाते जाते कह गया था कि देखो अगर लड़की हुई तो उसे दफन कर देना, इससे पहले मेरे यहाँ 6 बेटियाँ पैदा हो चुकी थीं जिन्हें मैं अपने हाथों से पैदा होते ही दफन कर चुका था, मगर इस दफ़ा मैं बीवी को पैगाम देकर सफ़र पर चला गया। जब 2-3 महीने बाद वापस आया और बीवी से सवाल किया कि क्या हुआ, उसने कहा कि बेटी हुई थी और मैंने दफन कर दी। इसी तरह से कई साल गुजर गए और एक बात मैंने महसूस की कि मेरी बीवी अक्सर पड़ोस में जाती है और पड़ोसी की जो बच्ची है उसके साथ बे इंतहा मोहब्बत से पेश आती है, यहाँ तक कि मैं झंझला जाता था कि वो शौहर को छोड़कर एक गैर मर्द के घर में जाकर उसकी बेटी को इतनी मोहब्बत क्यों कर रही है। चुनांचे एक दफ़ा मैंने अपनी बीवी पर बहुत दबाव डाला तो उसने मुझसे कहा कि ये राज जो आज तक मैंने छुपाया था आज मैं इसको सीने में महफूज नहीं कर पा रही हूँ, अब मुझे उगलना पड़ेगा, यह तुम्हारी ही बेटी है, 6 बेटियों को तुम पहले ही कत्ल कर चुके थे, मुझे मालूम था कि इसे भी कत्ल कर दोगे। चुनांचे जब ये पैदा हुई तो मैंने पड़ोसी से दरख्वास्त की और उसने मेरी बेटी को अपने घर में रखने की हामी भर ली, तो दर हकीकत ये तुम्हारी बेटी है। और जब रात खुल गया तो मेरी बीवी गई और उस बेटी को अपने घर ले आई, 4-5 साल की बच्ची थी। बीवी ने बताया कि ये तुम्हारा बाप है, वो बाबा बाबा कहती हुई आकर मेरे गले से लिपट गई। जैसे ही वो मेरे गले से लिपटी वो जो गैरत का एक तसव्वुर और बेटियों से नफरत का एक जज्बा था बे इख्तियार मेरे दिल में उबर आया। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ। वो बड़ी खुश के 5 साल में पहली मर्तबा बाप के साथ बाहर जा रही है। मैं उसे लेकर मक्का के बाहर पहुंचा। सहरा के अंदर मैंने ज़मीन को खोदा, कब्र तैयार की, अपने हाथों से उस बेटी को जो मेरे सीने से लिपटी हुई थी उसे अपने आप से जुदा करके उस कब्र में डाला, और जिस वक्त मैंने कब्र में रेत भरना शुरू की तो देखा कि वो मेरी बच्ची हाथ हिला हिला कर बार बार मुझे पुकार रही है, मगर अल्लाह के रसूल उस वक्त मेरे ऊपर कोई असर ना हुआ, लेकिन इस्लाम लाने के बाद बार बार मेरे जहन में मेरी वो बेटी आती है कि जिस पर कब्र में मट्टी डाली जा रही है और वो हाथ हिला हिला के बाहर आना चाहती है। रिवायत में है कि पैगम्बर इस्लाम इतना रोए कि आपके आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। ये मंजर देखकर बाद असहाबे रसूल ने उसको रोकना चाहा कि बस अब खामोश हो जा, मगर पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि नहीं, इसे ये तज़किरा बार बार करने दो, जब इसे इतना सख्त एहसास है तो ये जिक्र बार बार होना चाहिए। वो आदमी घबरा के कहता है मगर अल्लाह के रसूल अब क्या होगा। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि इस्लाम अपने से पहले के सारे गुनाह माफ़ कर देता है
इसलिए यह गुनाह मुआफ़ तो हो गया, मगर जो कुछ तूने किया इसका नुकसान बहरहाल तुम्हें इस दुनिया में बर्दाश्त करना है। अंदाज़ा करें कि इस सख्त तरीन माहौल में पैगम्बर इस्लाम को तबलीग करना है, जो अपने जिगर के टुकड़े, जो अपने खून, अपनी औलाद पर रहम ना खाए, पैगम्बर इस्लाम को ऐसे वैसे जानवरों को इंसान बनाना है। ये कितना मुश्किल काम है। लेकिन ये बात भी जहन में रहे कि ये जो तरीका था ये अरब के हर कबीले और हर इंसान का तरीका ना था। बदतरीन से बदतरीन माहौल में भी कुछ नेक बंदे होते हैं। चुनांचे ये भी बहुत मशहूर रिवायत है कि अरब के एक मशहूर शायर फरजदक के दादा हज़रत सअसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने मदीने में इस्लाम कबूल किया था, अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, कलमाए इस्लाम पढ़ने से पहले ज़माने जाहिलियत में ही मैंने कुछ नेकियों के काम किए थे। उनमें से एक ये भी है कि मैंने 360 ऐसी लड़कियों को बचाया था जिन्हें उनके बाप अपने हाथों से कब्र में दफन करना चाहते थे। अल्लाह के रसूल, क्या ये मेरी नेकी परवरदिगार की बारगाह में कबूल है या नहीं? पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि बेशक कबूल है, और इसका सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ने तुम्हें ये दिया है कि तुम्हें इस्लाम की हिदायत कर दी और तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो ये हज़रत सअसा एक शख्सियत हैं। 360 लड़कियों को इन्होंने बचाया है। ऐसी और भी शख्सियतें हैं। इसी तरह कुछ और कबीले थे, जैसे कि बनी हाशिम का कबीला, जनाब खदीजा का कबीला, जहाँ पर इस किस्म का रस्म व रिवाज ना था, लेकिन मजमूई एतबार से अक्सरियत की ये हालत थी। ये वाक़यात आपको ये समझने में मदद देंगे कि मक्का के काफिर कितने ज़ालिमों संग दिल थे। पैगम्बर इस्लाम को इनके दिलों को नरम करना था, इन शक्की लोगों को इस्लाम की जानिब लाना था। और फिर ये सारी खराबियां तो अपनी जगह थीं ही, बिलखसूस अरब में कबीला कुरैश के लोगों में, जो दावत इस्लाम के मुखालफिन में सबसे ख़तरनाक कबीला बना था। उन्होंने इन सारी खराबियों के साथ एक नई खराबी ईजाद की थी, जिसका नाम था होम्स, हे मी सीन। ये एक रस्म निकाली थी कुरैशियों ने, जिसकी वजह से ये इस्लाम को कबूल करने पे तैयार नहीं थे। ये रस्म ये थी कि कुरैश के लोगों ने एक ऐलान करा दिया था, अब कुरैश के लोगों की चौधराहट है, काबा उनके हाथ में है, बुत उनके हाथ में है, अरब का मुआशरा उसका एहतराम करता है। मगर इसके बाद भी उनको चैन ना आया। अपनी सरदारी को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ऐलान करा दिया था कि कुरैश का इंसान गैर कुरैश के मुकाबले में हमेशा अफजल होगा, इसलिए कि ये मक्के में रहता है, ये हरम में रहता है और काबे की देखभाल करता है, इसका मकाम दूसरों से बुलंद है। और जब शुरू में कुरैश ने यह चीज़ फैलाई तो क्योंकि मक्का उनके हाथ में है, ये जो ऐलान करते हैं काबे में वो सारे अरब में पहुंच जाता है, तो वाकयन अरब के कबीले इस ऐलान में आ गए, कुरैशियों की इज्जत बढ़ गई। इसे देखकर मक्के के अंदर रहने वाले दो चार और कबीलों ने एहतजाज किया कि तुमने अपने आप को क्यों बड़ा कर लिया, हम भी तो तुम्हारे साथ मक्का में ही रहते हैं, अरब में ही रहते हैं। तो तीन चार और कबीलों को कुरैश ने अपने साथ मिला लिया, एक किस्म का मुतहदा महाज बना लिया, फकत अपनी इस बर्तरी और चुदराहट को बाकी रखने के लिए, और ऐलान कर दिया कि आज से हमारे साथ ये चार पांच कबीले भी आम अरबों से ज़्यादा अफजल हो गए हैं। अब इस अफजल होने का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हम कोई वो काम नहीं करेंगे जो आम अरब करते हैं, और जो काम हम करते हैं वो किसी आम अरब को करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसके नतीजे में हज जैसी इबादत में भी उन्होंने दखल दिया। कुरैश अपने आप को अफजल समझ रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि हज, जो अरबों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से अब तक जारी था, सारी खराबियों के आने के बावजूद हज के तरीके को इन्होंने नहीं छेड़ा था, मगर कुरैश ने इसमें भी तब्दीली कर दी। पहली तब्दीली ये की गई कि हज में वाजिब है कि इंसान अरफात जाता है, अरफात से मुजदलफा जाता है, वहाँ से मिना आता है। कुरैश ने कहा कि अरफात में तो सारे अरब के लोग आते हैं, ये तो आम आदमियों की जगह है, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम अपना हज बाद से शुरू करेंगे। यानी बिल्कुल ऐसे मिसाल है कि जैसे चार रकत की नमाज हो कि पहली रकत में तो सब शामिल हुआ करते हैं, हम शामिल हो गए तो हम भी आम आदमी बन जाएंगे, हम दूसरी रकत में शामिल होंगे। चुनांचे पहला हुक्म उन्होंने अपने लिए ये जारी किया कि हम अरफात नहीं जाएंगे, ये आम लोगों की जगह है,
हम क्यों जाएं आम आदमियों में। चुनाचे बाद में जब इस्लाम आया तो कुरान ने खास हुक्म दिया, ऐ अरब तुम भी उसी तरीके से हज के लिए जाओ जिस तरह लोग जाते हैं। तारीख में मौजूद है कि पैगंबर इस्लाम जब हज के लिए जाते थे तो पैगंबर ने कुरैश के इस ऐलान को कभी नहीं माना था। चुनाचे इस्लाम के ऐलान से पहले भी पैगंबर इस्लाम जब हज पे जाते थे तो सब के साथ अरफात जाते थे कि हज में सब बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। मगर कुरैश ने कहा कि हम चौधरी हैं, हम क्यों सबके साथ जाएं, हम बाद में आके शामिल होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हज में हर जगह अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म है। कुरैश ने कहा कि हम अल्लाह का जिक्र क्यों करें, ये तो आम लोग करते हैं, हम अपने बाप दादाओं का जिक्र किया करेंगे। चुनांचे वो हज में जहाँ जाते हैं लबैक लबैक कहने के साथ अपने वालदैन का तज़किरा कर रहे हैं, हमारा बाप ऐसा, हमारा दादा ऐसा। इसलिए अहराम की हराम चीज़ों में से एक ये भी है फ़ख्र करना, तकबर करना, जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया और कुरान में इसका हुक्म भी आ गया। सिर्फ यही नहीं, कुरैश की खराबियां इस हद तक पहुंच गई थीं कि उन्होंने कहा कि जो कपड़ा हमारे इलाके में आ गया हरम में ये कपड़ा अफजल है, जो कपड़ा हरम से बाहर है वो अफजल नहीं है, जो खाना हरम में है वो खाना अफजल है, जो हरम से बाहर है वो खाना अफजल नहीं है। चुनांचे इन दो ऐलानात का नतीजा ये निकला कि जब कोई आदमी हज या उमरा के लिए मक्का में आता है जो कपड़े पहन के आया है, कुरैश ने ऐलान किया कि ये कपड़ा हरम से बाहर का कपड़ा है, इसकी कोई अफजलियत नहीं है, इसे पहनकर तुम काबे का तवाफ नहीं कर सकते, इसलिए कि ये कपड़ा हराम और पस्त कपड़ा है। जो खाना वो अपने साथ लेके आता है जब मक्के में दाखिल हुआ तो कहा कि वो खाना हराम हो गया, इसलिए कि ये पानी तुम्हारे कुएं का है, मक्के का पानी मक्के के बाहर के पानी से अफजल है, ये रोटी तुम्हारे घर की है, ये रोटी मक्के की रोटी के मुकाबले में कमतर है। देखिए कि खराबी कहाँ तक पहुँचाई, अपने आप को तो अफजल समझा ही, साथ ये कहा कि हमारा लिबास भी अफजल है, हमारा खाना भी अफजल है। खबरदार, कोई आदमी काबे के नज़दीक बाहर का खाना नहीं ला सकता, अगर लाता है तो वो काबे की तौहीन कर रहा है। काबे के नज़दीक कोई आदमी बाहर का लिबास नहीं ला सकता, वो तौहीन कर रहा है काबे की। और इस मसले को इतना बढ़ाया कि आखिर में यहाँ तक ऐलान कर दिया कि आने के बाद हमारा लिबास लो और हमारा खाना लो। खाना भी लोगे तो पैसे देना पड़ेंगे, बाहर से आने वाला एक गिलास पानी पिए तो इसे पैसे देना पड़ेंगे। और यही मसला लिबास में है कि अपना लिबास उतारो और हम जो लिबास देंगे वो पहनना पड़ेगा, इसलिए कि हमारा लिबास मक्का का लिबास है और अफजल है, यानी एक तिजारत बन गई। और अगर कोई आदमी गरीब है और कपड़ा नहीं खरीद सकता तो नंगे होकर उसे तवाफ़ करना पड़ेगा। ये इसी वजह से अरबों में रिवाज दाखिल हो गया कि कुरैशियों ने ऐलान किया कि कपड़ा हमसे लो वरना नंगे होकर तवाफ़ करो। और फिर आखिर में उन्होंने इस मसले को इतना बढ़ा दिया कि अगर कोई शख्स नंगे होकर तवाफ नहीं कर सकता किसी मजबूरी से, और शर्म मजबूरी नहीं है, वो तो तसव्वुर ही नहीं है अरबों के अंदर, मर्द हो या औरत हर एक इसी हालत में तवाफ किया करता था। लेकिन फ़र्ज कीजिए कि मक्के में लू चल रही है, कपड़े उतारेगा तो मर जाने का ख़तरा है। अब कुरैश ने कहा कि अच्छा अपने कपड़े पहन तो लो, लेकिन क्योंकि ये कपड़े हरम के बाहर के हैं और तुमने ये गुस्ताखी की कि उन्हें पहन के हरम में दाखिल हो गए, मजबूरी की वजह से हम इजाज़त देते हैं, मगर जैसे ही हरम से निकलोगे ये कपड़ा फेंक देना पड़ेगा। चुनांचे अरबों में उन कपड़ों की ऐसी नफ़रत पैदा हो गई कि हम और आप कुत्ते और सुअर से इतनी नफ़रत नहीं करते जितने अरब उस कपड़े से नफ़रत करते थे जो मजबूरी में उनको पहनना पड़ता था। इसी तरीके को ख़त्म करने के लिए कुरान की ये आयतें नाजिल हुईं, ऐ आदम के बेटो इबादत के वक्त अपने आप को जीनत दिया करो, इस तरह नंगे और बेलिबास जाना गलत है, और जो खाना और पानी तुम ले के आते हो हरम में उसे बेचा मत करो। तो ये सारी आयतें कुरैशियों के ख़िलाफ़ जा रही हैं। अब उनकी कितनी बड़ी आमदनी का ज़रिया बंद हुआ जा रहा है, वो कैसे इस्लाम को पसंद करेंगे, वो कैसे रसूल का साथ देंगे। तो ये माहौल कुरैश के लोगों ने बना दिया था, और इस माहौल के अंदर मज़ीद इजाफा हो गया था उन काहिनों और जादूगरों की वजह से जो कुरैश के साथ मिलकर वही बात कहते थे
जो कुरैश कहलवाना चाहते थे, क्योंकि अगर कभी कोई बागी किस्म का इंसान पैदा हो जाए जो कहे कि मैं इन खुराफात को नहीं मानता, तो फौरन काहिनों और जादूगरों से कहते थे कि तुम हमारे मतलब की बात करो ताकि जो लोग हमसे दूर हो रहे हैं वो दोबारा हमारे करीब आ जाएं। लेकिन कुरैश के लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा था कि जब पैगम्बर इस्लाम की बेअसत का दिन करीब आया, उस वक्त ये सारे के सारे मंसूबे टूटने लगे, ये सारी की सारी खराबियां जाहिर होने लगीं, इसलिए कि जिन लोगों की मदद से कुरैश की हाकमियत चल रही थी वो यही जादूगर और काहिन थे। काहिन उसे कहते हैं जो जिन्नों से खबरें लेता है और इंसानों तक पहुंचाता है। ये इस्लाम के अंदर बदतरीन गुनाह भी है और साथ साथ ये जाहिलियत की चीज़ है। रिवायतों में है कि अरब के लोग जिन्नों से बहुत डरा करते थे, इतना डरा करते थे कि जब कोई आदमी सफ़र कर रहा होता था और किसी ऐसे इलाके में जाता था जो सुनसान होता था, तो कदम रखने से पहले कहता था कि ऐ इस इलाके के जिन, मैं तेरी पनाह में आ रहा हूँ, तू मेरी हिफाजत कर। अगर किसी को अपने घोड़े या खच्चर के लिए पानी या चारा ढूंढना पड़ता था तो उसको ढूंढने के लिए रास्ते से हटना पड़ता था। अब जब रास्ते से हटते तो सारा रास्ता ये कहते जाते, ऐ इस इलाके के जिन हमारी हिफाजत कर, इस इलाके के जिन हमें अपनी पनाह में ले ले। कुरान में इसका तज़किरा सूरह जिन में आया है कि इंसानों में से कुछ ऐसे हैं जो जिन्नों की पनाह मांगते हैं और उनकी इस गलती की वजह से जिन्नों की सरकशी और बढ़ती जाती है, वो और मगरूर होते जाते हैं, वो समझते जाते हैं कि ये इंसान हमारा हुक्म मानने वाला बन गया है। कुरान कह रहा है कि खबरदार कभी किसी जिन को सहारा ना बनाना, तो जिन के सामने जाओगे तो वो ये समझेगा कि ये तो मेरे सामने झुक गया है, जिससे जिन की सरकशी बढ़ जाएगी। तो अरबों ने काहिनों को अपने साथ मिला लिया था, उनसे अपने मतलब की बातें कहलवाया करते थे, जो कुरैशी उनको बताएं ये काहिन जिन के नाम से वो बातें फैला दिया करते थे। मगर ये बात याद रहे कि ये जो काहिन थे उनके पास वाकई जिन आया करते थे। ये हदीस में भी है और तारीख में भी है कि जिन इंसानों के पास आते हैं, वो इंसानों में से इंतखाब करते हैं कौन है कि जो हमारे काम आ जाएगा, कौन है कि जो हमारी बातों से मुतासिर हो जाएगा, उसे अपना दोस्त बना लेते हैं, उसके पास हफ्ते दो हफ्ते में एक दिन आते हैं और उसे गैब की खबरें देते हैं। ये दूसरी बात है कि जिन्नों की खबर पहले सही होती थी, अब गलत होती है। ये फ़र्क क्यों हो गया, इसके बारे में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है कि यह फ़र्क हुआ था जिस दिन पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान रिसालत किया, और एक रिवायत है कि यह फ़र्क हुआ था जिस दिन पैगम्बर की विलादत हुई थी। जिन्नों की खबरें पहले इतनी सही हुआ करती थीं कि पैगम्बर इस्लाम के हालात भी वो बता दिया करते थे, और अब इतनी खबर होती है कि हम जैसे गुनाहगारों के हालात भी नहीं बता सकते। इस सिलसिले में एक बहुत ही अहम रिवायत है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कभी परवरदिगार आलम को किसी भी मखलूक के बारे में कोई हुक्म देना हो, मसलन उसकी जान निकाल लो, उसे सेहतयाब कर दो, उसे बीमार कर दो, उसकी रोज़ी बढ़ा दो, उसकी रोज़ी कम कर दो, परवरदिगार जब कोई हुक्म दे रहा होता है तो एक मर्तबा अर्श इलाही से तस्बीह की आवाज़ आ जाती है। ये तस्बीह की आवाज़ सुनकर उसके नीचे का जो अर्श है वो ये तस्बीह पढ़ने लगता है। इस तस्बीह की आवाज़ सुनकर उससे नीचे का जो आसमान है वो ये तस्बीह पढ़ने लगता है, यहाँ तक कि जो आखिरी आसमान है जो दुनिया का आसमान कहलाता है, यहाँ से तस्बीह की आवाज़ बुलंद होती है। तो इस आसमान पर रहने वाले फरिश्ते आसमान से सवाल करते हैं, भाई ये तस्बीह की आवाज़ क्यों बुलंद की तुमने? वो आसमान अपने ऊपर वाले से पूछता है, भाई तुमने ये तस्बीह क्यों पढ़ी है? वो अपने ऊपर वाले से पूछता है। ये सवाल पहुंच जाता है अर्श इलाही तक, तो अर्श इलाही से आवाज़ आती है कि फलां काम होने वाला है, इसलिए तस्बीह पढ़ी गई है। बस ये आवाज़ सुनकर वो आसमान अपने नीचे वाले आसमान को ये आवाज़ पहुंचाता है कि तुमने मुझसे पूछा कि तस्बीह क्यों पढ़ी, तो ये वजह है। वो अपने से नीचे वाले आसमान को ये पैगाम पहुंचाता है, यहाँ तक कि आखिरी आसमान तक ये पैगाम आ जाता है, यानी पहले आसमान तक, और वहाँ तक आने की जिन्नों को इजाज़त थी। तो वो आकर फरिश्तों की ये बातें सुनते थे और ज़मीन पर जाकर अपने साथियों को बताते थे। लेकिन पैगम्बर इस्लाम की विलादत के वक्त या 27 रजब को जब पैगम्बर इस्लाम ने ऐलान रिसालत किया तो जिन्नों को आसमान पर जाने से रोक दिया गया।
और उनको इजाज़त नहीं मिली। अब जब आते हैं अपने साथियों के पास तो अंदाजे से खबरें दिया करते हैं। पहले तो फरिश्तों से सुन के देते थे, वो खबर सच्ची होती थी, अब अपने अंदाजे से देते हैं। तो रिवायतों में ये दर्ज है कि आखिरी मरतबा जिन्हों को जो आसमान तक जाने की इजाज़त मिली थी वो पैगम्बर इस्लाम के ऐलान नबुव्वत के पिछले साल में, यानी जब पैगम्बर इस्लाम को नबुव्वत का ऐलान करना था 40 साल में, उससे जो पहले वाला साल था यानी 39वां साल, उसमें एक मरतबा और जिन्हों को इजाज़त मिली कि वो आसमान पर आएं। चुनांचे उस वक्त दुनिया में जितने भी काहिन थे सब घबरा गए, क्योंकि उनके पास आने वाले जिन अब जब आखिरी खबर लेकर आए तो वो खबर बड़ी परेशान करने वाली थी। कुरैश भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कुरैश का सिलसिला काहिनों से मिला है, काहिनों का सिलसिला जिन्नों से मिला है, जिन्नों के पास आसमान की खबरें कम हो गई हैं। आखिरी खबर जो जिन लेके आए वो ये थी कि अनकरीब कोई अहम वाकया पेश आने वाला है। एक और रिवायत में है कि एकला नाम की एक औरत थी जो मक्के में रहती थी। हर रात को उसके पास एक जिन आता था और वो उसको खबरें दे जाता था कि कल ये वाकयात पेश आने वाले हैं, मैंने आसमान से सुने हैं। वो अगले दिन मक्के वालों को बयान किया करती थी। मक्के वाले उसको बहुत मानते थे और रोज़ाना उसके पास आते थे कि कल रात को तुम्हारे साथी ने क्या कहा है। जिन का नाम उन्होंने साथी रखा था। वो कहती है कि कल रात मेरा साथी आया और बेहोशी के आलम में आकर गिर पड़ा, और थोड़ी देर के बाद उसे होश आया तो एक ही बात कहता है, मैंने देख लिया और कैसी अजीब बात को मैंने देखा है। अरे अनकरीब गले कटने और ज़ख्मी होने का ज़माना करीब आ रहा है। और ये कहकर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह हुई और रुखसत हो गया। अगले दिन दस्तूर के मुताबिक मक्का के काफिर उसके पास आए और पूछा कि कल रात को तुम्हारे साथी ने क्या कहा है। जवाब दिया, कल तो उसने अजीब बात कही जो मैं खुद भी नहीं समझ पाई, ये जुमला कहा है। कुरैश और ज़्यादा परेशान हुए, इस जुमले का क्या मतलब है। खैर अगली रात हुई। अगली रात को फिर ये औरत कहती है कि मेरा साथी मेरे पास आया, लेकिन आखिरी मरतबा आया और आने के बाद कहा, अरे दर्रे और किस किस्म के दर्रे मैंने देखे हैं, अनकरीब उसका नाम बुलंद होने वाला है। और ये कह के बेहोश होके गिर गया और फिर सुबह होश में आया और चला गया, फिर वापस नहीं आया। अगले दिन कुरैश फिर पहुँचे, आज के दिन तुम्हारे पास क्या खबर है। कहा कि आज के दिन तो उसने ये खबर दी है कि मैंने दर्रे देखे हैं, ऐसे दर्रे के जो उसका नाम बुलंद करने वाले हैं। कुरैश की समझ में फिर भी नहीं आया। चुनांचे इसीलिए तारीखों में लिखा है, जब जंगे ओहद हुई थी और वो दर्रे वाला मार्का पेश आया, जब पैगम्बर इस्लाम ने दर्रे पर 50 सिपाही रखे थे और वो दर्रा छोड़ के चले गए थे, और पीछे से कुरैश ने हमला किया और बाद में वो शिकस्त खा गए, तब मक्का में ये बात फैल गई थी, आज एकला की खबर सही हुई है जो उस दिन दर्रों की बात कर रही थी, उसने खबर दी थी इस आखिरी रसूल के बारे में। तो अब जो आखिरी ज़माना है, काहिनों और जिन्नों की खबरें भी बढ़ती जा रही हैं, वो अपने मानने वालों के लिए मुख्तलिफ खबरें ला रहे हैं। चुनांचे तारीख में ये भी है कि यमन के इलाके में एक बहुत बड़ा काहिन था, एक सुबह जब वो उठा तो लोग ग्रो दर ग्रो उसके पास पहुँचने लगे और कहने लगे कि ऐ काहिन, मक्के से एक अजीब खबर आई है कि वहाँ एक आदमी ने रिसालत का दावा किया है, अपने साथी से पूछ के बताओ कि ये क्या बात है। वो पहाड़ी पे चढ़ा, पूरी कौम उसके साथ है, और वो मक्का की तरफ रुख करके तलवार पे हाथ रख के खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर उसका जिस्म लर्दने लगा और इसके बाद सर को झटका देता है और फिर अपनी कौम को देख कर कहता है, ऐ मेरी कौम, वो आदमी बिल्कुल सच्चा है, बहुत मुख्तसर मुद्दत तुम्हें रहेगा, लेकिन जिसने उसको नहीं माना वो धोखा खाएगा, इसलिए कि मेरे साथी ने मुझे यही बताया है। मकसद ये कि ये सारी निशानियाँ कुरैश के सामने पहुँचने लगीं। दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि मक्का के इन कुरैशियों को ये पता चल गया था इस ज़रिए से भी जिस पर उनका ईमान था कि ये रसूल सच्चा रसूल है। फिर इतनी मुखालफत किस लिए हुई, वो वजूहात वही हैं जो इससे पहले आप सुन चुके हैं। और फकत यही नहीं बल्कि तारीख बताती है कि जैसे जैसे ऐलान रिसालत का ज़माना करीब आता जा रहा था, अब हर चीज़ में तब्दीली आ रही थी। जिस तरह पैगम्बर इस्लाम की विलादत से पहले बहुत सारी तब्दीलियाँ आईं, मगर वो तो एक रात की तब्दीलियाँ थीं,
लेकिन ऐलान रिसालत से पहले तो पूरा साल बहुत अजीब अंदाज का साल गुजरा है। हत्ता ये कि जिन अरबों का जिन्नों और काहिनों से कोई ताल्लुक नहीं है, परवरदिगार ने उन तक भी रिसालत का पैगाम पहुंचाया। चुनांचे ये भी एक मशहूर रिवायत है कि अरबों का एक कबीला है, वो अपने बुतों के कदमों पर कुर्बान करने के लिए एक बछड़े को लेके गया और ले जाकर उसके कदमों पर कुर्बान कर दिया। उसका खून बहने लगा। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि सारा खून बह जाए तो हम इसके गोश्त को तकसीम कराएं। जैसे कि पहले बयान हुआ, एक हिस्सा अल्लाह का और एक हिस्सा बुतों का रखा जाता था। मगर इससे पहले कि सारा खून बह जाए, उस बछड़े में से एक खौफनाक आवाज़ निकली कि मैं देख रहा हूँ अनकरीब दलीलो खार होने वाले हैं, और मैं देख रहा हूँ कि अरबी ज़ुबान के अंदर एक मर्द खड़े होकर आवाज़ देगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी सारे के सारे पुजारियों ने भी और भेंट चढ़ाने वालों ने भी अपने कानों से ये सब सुना। तारीख ये बताती है कि उसी ज़माने में जब पैगंबर घर से गारे हिरा जाते हैं, गारे हिरा से घर आते हैं, खसूसियत के साथ मक्का की सरजमीन में जितने दरख्त और पत्थर थे, सबसे अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की आवाज़ बुलंद होने लगी। यानी वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। यही सबब है कि पैगंबर इस्लाम ने कुरैश के मजमों में जाना बंद कर दिया। फ़कत गारे हिरा में रहते हैं इसलिए कि अगर पैगंबर इस्लाम काबे में चले जाएं तो दीवारे काबा से अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह की नई आवाज़ आने लगती है। पहले ये आवाज़ नहीं आती थी। जिस रास्ते से गुजर जाएं, पत्थर ये आवाज़ दें, दरख्त ये आवाज़ दें, जानवर इस तरह सलाम करें। पैगंबर इस्लाम गारे हिरा में तशरीफ़ फरमा हैं। माहौल ये बना कि एक तरफ काहिनों के जिन ये आखिरी खबर दे के जा रहे हैं कि अब हम दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएंगे, बस खबर सुन लो कि आखिरी रसूल आने वाला है। दूसरी जानेब बुतों के कदमों से ये आवाज़ बुलंद होना शुरू हो गई है कि हमें जलीलो खार होना है। और तीसरी जानेब मक्का का हर बेजान जर्रा, चाहे वो दरख्त हो चाहे वो पत्थर हो, सब पैगंबर इस्लाम की रिसालत का ऐलान कर रहे हैं। चुनांचे ये सब माहौल बन चुका था जब 27 रजब के करीब अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान रिसालत का हुक्म पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता है। मुख्तरम नाजरीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम गारे हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही के हालात बयान करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।